अयोध्या राम मंदिर निर्माण को लेकर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार का बहुत बड़ा बयान। कहा कांग्रेस राम मंदिर मुद्दे को घोषणा पत्र में शामिल करे तो उनके बारे में कर सकते हैं विचार। कांग्रेस घोषणा पत्र में शामिल करे कि मंदिर बनाएंगे तो उसके बारे में भी विचार करेंगे। उसने जो प्रतिबंध लगाया है कि संघ के स्वयंसेवक कांग्रेस में नहीं जा सकते, उस प्रतिबंध को वापिस ले। केवल जनेऊ पहनने से नहीं होगा। बीएसपी के कार्यकारी अध्यक्ष ने कांग्रेस को समर्थन के लिए एक और भी शर्त रखी। कहा स्वयं सेवकों के कांग्रेस में शामिल होने पर भी पार्टी हटाए प्रतिबंध। उसने जो प्रतिबंध लगाया है कि संघ के स्वयंसेवक कांग्रेस में नहीं जा सकते, उस प्रतिबंध को वापिस ले। केवल जनेऊ पहनने से नहीं होगा। बीएसपी ने कांग्रेस के सशर्त समर्थन के बातों के बीच राहुल गांधी पर वार भी किया। कहा सिर्फ जनेऊ पहनने से कुछ नहीं होता। राम मंदिर निर्माण पर बीएचपी के बयान को बीजेपी के लिए माना जा रहा है सख्त संदेश। आलोक कुमार के बयान के बाद सियासी हलचल तेज। दिल्ली के रामलीला मैदान में आज बीजेपी की युवा विजय संकल्प रैली। 30,000 से ज्यादा युवाओं को जुटाने की कोशिश। दिल्ली की महासंकल्प रैली से पहले बीजेपी ने दिया नया नारा फिर नमो सरकार। इस नए नारे के मिशन 2019 में रहेगी पूंछ। पीएम मोदी ने गोरखपुर का दौरा एक दिन आगे बढ़ाया। अब 23 जनवरी के बजाय 24 जनवरी को गोरखपुर जाएंगे पीएम। किसान महासम्मेलन में देंगे समापन भाषण। पीएम के गोरखपुर दौरे को एक दिन आगे बढ़ाने के पीछे बीजेपी की रणनीति। सूत्रों के मुताबिक 23 जनवरी को कैबिनेट बैठक में किसानों के कर्ज पर बड़ा फैसला संभव। किसानों का 2 लाख तक का कर्ज हो सकता है ब्याज मुक्त। यूपी के मुगलसराय से विधायक साधना सिंह ने बीएसपी सुप्रीमो के खिलाफ लांगी भाषा की मर्यादा। मायावती पर की अमर्यादित टिप्पणी। हमको तो उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री न महिला में लगती है न जेंट्स में लगती है। इनको तो अपना सम्मान ही नहीं समझ में आता। साधना सिंह के बयान से बुरी तरह बिफरी बीएसपी। पार्टी नेता सतीश चंद्र मिश्रा ने पागलखाने भेजने की कही बात। कि ऐसे लोगों को पुलिस वालों को पकड़ करके और जबरदस्ती ले जाकर के बरेली और आगरा के पागलखाने में भर्ती कर देना चाहिए। एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर बयान का किया विरोध। लिखा यह बयान बीजेपी नेताओं की हताशा दिखाता है। ममता की रैली में शामिल विरोधियों पर बरसे प्रधानमंत्री मोदी। ट्वीट करने का सारा विपक्ष मुझसे घृणा करता है क्योंकि ये मेरा अपराध है कि मैंने करप्शन के खिलाफ अभियान छेड़ा। ममता की रैली के बाद विपक्ष के खेमे में भरा जोश। चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती और केजरीवाल ने दिल्ली में मोदी विरोधी रैली की तैयारी की। चुनाव पर रणनीति बनाने के लिए सीएम नीतीश कुमार ने आज बुलाई अहम बैठक। पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता करेंगे शिरकत। विपक्ष पर निर्मला सीतारमन ने फिर लगाया रफेल सौदे में रोड़ा अटकाने का आरोप। कहा 10 साल में एक भी विमान नहीं वाली पार्टी पूछती है सवाल। हैदराबाद में एक योजना के दौरान सीएम केसीआर की बेटी और टीआरएस सांसद कलवा कुंतल कविता के लड़खड़ाए कदम। मुख्य अतिथि अन्ना हजारे के साथ चल रही कविता अचानक गिर पड़ी। यूपी के मुजफ्फरनगर में लड़कियों के 2 गुट आपस में भिड़े। 20 सड़क हॉकी और बैल से जमकर मारपीट। हरियाणा के फतेहाबाद में बिजली कनेक्शन काटे जाने पर बिफरा परिवार। सरपंच प्रतिनिधि और जेई के साथ जमकर मारपीट की। बिहार के हाजीपुर में बीएड कॉलेजों की मनमानी के खिलाफ छात्रों का फूटा गुस्सा। कई जगहों पर जाम की सड़कें। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में वन विभाग की सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर 2 गुट आपस में भिड़े। पिटाई का वीडियो वायरल। मध्य प्रदेश के इंदौर में टोल प्लाजा पर गुंडागर्दी। सैकड़ों की तादाद में लोगों ने टोल प्लाजा पर तोड़फोड़ की। यूपी के बाराबंकी में युवक को बचाने के चक्कर में हादसे का शिकार हुई कार बेकाबू होकर पेड़ से टकराई और आग की लपटों में गिरी। प्रयागराज में चल रहे कुंभ में तीसरी बार लगी आग। सेक्टर 13 का कल्पवासी पंडाल जलकर राख। यूपी के लखीमपुर खीरी में पोल्ट्री फार्म में लगी भीषण आग। मुर्गियों के करीब 1,000 बच्चे जले। 10 लाख का नुकसान। यूपी के रामपुर में शॉर्ट सर्किट से टेंट हाउस में लगी आग। लाखों का माल जलकर राख।
यूपी के मुरादाबाद में एक्सपोर्ट फर्म में गोदाम में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। सेंट्रल दिल्ली में सरेआम फायरिंग करते बदमाश कैमरे में हुए कैद, नकाबपोश बदमाशों ने एक घर के सामने खुलेआम पिस्टल लहराकर फायरिंग की। उत्तराखंड के धर्मसिंह नगर में दबंगों ने युवक को डराने के लिए खुलेआम हथियार लहराते हुए वीडियो शूट किया, वायरल होने के बाद पुलिस ने जांच की बात कही। दबंगों ने पहले युवक के घर के बाहर की फायरिंग, बाद में डराने के लिए वीडियो शूट कर भेजा। लखनऊ में खाकी के रौब दिखाने का वीडियो हुआ वायरल, इंसाफ के लिए दारोगा के पैरों में पड़ती दिखी महिला, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिसकर्मी का तबादला। बिहार के कटिहार में कलयुगी बेटे की करतूत, जमीन विवाद में पिता को लाठी डंडों से बेरहमी पीटा। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के लिए अगले 72 घंटे भारी बर्फबारी का रेड अलर्ट जारी है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में 20 से 21 जनवरी तक भारी बर्फबारी की आशंका, 1.5 से 2 मीटर तक बर्फ गिरने का अनुमान। हिमाचल प्रदेश में भी 21 से 22 जनवरी को भारी हिमपात की चेतावनी, सैलानी को भारी बर्फबारी वाले इलाकों से बचने की सलाह। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते मैदानी इलाकों में भी बदलेगा मौसम का मिजाज, कई इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना। दिल्ली एनसीआर में अगले 24 से 72 घंटों में बदलेगा मौसम का मिजाज, बादलों की रहेगी आवाजाही, 21 जनवरी को हो सकती है बारिश। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।